ये पाक भारत के वजूद में आने से बहुत पहले 1944 में जम्मू, वादी कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित, हुंजा और पूंछ के अवाम के नुमाइंदों ने श्रीनगर में जमा होकर अपने अवाम और रियासत के मुस्तकबिल के आहनी मसवदे पर इत्तेफाक करते हुए इन अल्फाज के साथ इसको शुरू किया था। हम जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, हुंजा और पूंछ की इस वफाकी रियासत, जिसे आम तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है, अपने वफाकी इत्तेहाद की बहाली और मुकम्मल मसावात, हक खुद इरादियत के उसूल के तहत अपने आप और अपने बच्चों को हमेशा के लिए जुल्म, गुर्बत, इन्हेताब, तवहुम परस्ती, कुरून वुस्ता के अंधेरों और जहालत से निकालने, आज़ादी, साइंस और ईमानदाराना मेहनत की हुक्मरानी वाली सूरज की रोशनी की वादियों की तरफ सफर के लिए मशरिक के अवामी शऊर और दुनिया के मेहनत कशों की तारीखी बहाली में भरपूर शिरकत और अपने मुल्क को एशिया की बर्फानी सीने पर एक शानदार जौहर बनाने के अज़्म के साथ अपनी रियासत का दर्ज ज़ैल आइन तजवीज़ करते हैं। इस तारीखी हकीकत और रियासत के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ पाक भारत ने 75 सालों से इनकी हजार साल तारीखी वफाकी रियासत को तकसीम किया हुआ है। इस तकसीम ने दोनों अतराफ के अवाम की जिंदगियों को 75 सालों से जन्म बनाया हुआ है। तारीखी तिजारती रास्ते जुनूब से शुमाल, मशरिक से मगरिब तिजारती सरगर्मियों के लिए दस्तियाब नहीं। महंगाई, सेहत, तालीम और यूटिलिटी बिल्स की आसमान से बातें करती कीमतें, बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत। पाक भारत दोनों जम्मू कश्मीर के साथ नौआबादियात का बर्ताव करते रहे हैं। अवाम की मर्जी के खिलाफ पिछले 75 सालों से उनके मादरे वतन को मैदान जंग बनाया हुआ है। आज सूरत हाल यह है कि आज़ाद कश्मीर के तलबा भी जिंदा रहने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। कल 17 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर के हर शहर मुजफ्फराबाद, बाघ, रावलाकोट, पलंदरी, मंग, खाई गल्ला, हिजीरह, हवेली, चढ़हुई, कोटली, मीरपुर के अलावा इस्लामाबाद प्रेस क्लब, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे करते रहे थे। जो फिलकावराना फसादात फैलाए, जो असला उठाकर असले से दहशतगर्दी खुलम खुला दहशतगर्दी करे, बम ब्लास्ट करे, उनके खिलाफ ये शेड्यूल फोर है। उन तंजीमों के खिलाफ ये शेड्यूल फोर है। शेड्यूल फोर के अंदर कोई पॉलिटिकल कारकुन के खिलाफ शेड्यूल फोर का जिक्र नहीं है, लेकिन लागू यहां उन पर होता है जो पुरामन जदोजहद करते हैं। आपके सामने है जो कुफर के फतवे लगाते हैं, बंदूकें उठाते हैं, उन पर कोई शेड्यूल फोर नहीं है। शेड्यूल फोर पानी बिजली मांगने वालों के ऊपर है। इसलिए हम समझते हैं कि इस कानून का खात्मा हो सियासी कारकुनों से, उसका असल रूह में अमल दरामद नहीं हो रहा है शेड्यूल फोर पे। बाकी एहतजाज के हवाले से जो खत्म कर सके जो